Good evening, students. We were studying methods of differentiation, right? Methods of differentiation में हम लोगों ने बहुत सारी varieties cover की थी. आइए आज कुछ और examples करते हैं, कुछ और varieties cover करते हैं, ठीक है? Give me a second. Okay. Let's say if you have a question, x to the power m into y to the power n is equal to x plus y to the power m plus n. And you need to find, yeah, your question is if, you know, find dy by dx. Quickly try karo, you know, 10 second, 15 second, thoda sa socho, isko kaise approach karna hai. है ना, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताऊंगा. बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है ना? क्या आप लोगों ने पहले किया है इसको डिफरेंशिएट? गाइस डू लेट मी नो, अगर आपने किया है तो मुझे बताओ, अदरवाइज ट्राई करो. ठीक है, बहुत सिंपल है. स्टार्ट करूं मैं? ठीक है, मैं कर देता हूं आप सभी के लिए, है ना. टेक लॉग ऑन बोथ दिस साइड. सबसे पहले तो हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड में. इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है. तो लॉग लोगे आप तो लॉग ऑफ x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ x plus y टू द पावर m plus n. लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हो, जब मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो लॉग उसे स्प्लिट करके एडिशन के फॉर्म में लिख सकता है. ये बन सकता है log of x to the power n plus log of y to the power n. log के बारे में आप जानते हो, पावर को आप सामने लिख सकते हो m plus n times log of x plus y. okay, next step आप सभी के लिए क्या होगा, m भी आगे पावर में आ जाएगी, m log x plus n log y is equal to m plus n times log of x plus y. now अब अपन differentiate कर सकते हैं, differentiate both the sides. Both the sides with respect to x. X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. देखो m log x का डेरिवेटिव बच्चों 1 by x होता है, प्लस n log y का डेरिवेटिव बच्चों 1 by y dy by dx. dy by dx हमें ढूंढना था, इंट्रोड्यूस हो चुका है हमारे इक्वेशन के अंदर. m plus n as it is रखो, कांस्टेंट है. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चों 1 upon x plus y. And further x plus y का derivative 1 plus dy by dx. This is your, you know, chain rule. है ना? I hope ये आपको समझ में आएगा. ये मैं step लिख रहा हूँ आपको. Step 1 है, 2 है, 3 है. This is your 4th. Fourth step में आपको confusion हो सकता है. अगर आप में से किसी को भी fourth step में confusion तो please मुझसे पूछो. ठीक है? आगे बात करते हैं. ये बच्चे m by x plus n by y is equal to m plus n divided by x plus y into 1 plus dy by dx. है ना, यहां पर एक मिस्टेक हो गई है, लिखना है dy by dx. लिख देते m by x plus n by y dy by dx. ठीक है, तो इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, dy by dx वाले टर्म्स एक जगह कलेक्ट करते हैं और फिर अपना आंसर आ जाएगा. तो बच्चे ये m by x है plus n by y divided by dx is equal to m plus n divided by x plus y plus m plus n divided by x plus y dy by dx. dy by dx वाले टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी बचे हुए टर्म्स को एक तरफ. तो दिस इज m by x minus m plus n divided by x plus y is equal to dy by dx common ले लो इधर. m plus n upon x plus y पहले से था, ये उस तरफ जाएगा तो minus n divided by y बनेगा. थोड़ा सा simplify करते हैं, देखते हैं आंसर किस फॉर्मेट में आ रहा है. cross multiply करो बच्चों, mx plus my minus mx minus nx
डिवाइडेड बाय एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो एम वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स माइनस एन वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है या एम एक्स एम एक्स करके एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स के साथ में बच्चे यहां पे एन वाई कट गया एम वाई माइनस एन एक्स डिनोमिनेटर में वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगर आप ध्यान दें तो ये एक्स प्लस वाई कट जाएगा एम वाई माइनस एन एक्स एम वाई माइनस एन एक्स कट जाएगा ये वाई इधर मल्टीप्लाई में आएगा वाई बाय एक्स ही आपका डी वाई बाय डी एक्स है। बेसिकली आपको जो डी वाई बाय डी एक्स मिला वो किसके बराबर आ रहा है वाई बाय एक्स। देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था आंसर एकदम सिंपल सा है ना। किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछ लो फोर स्टेप में स्पेसिफिकली यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है इसका भी आ जाता है। यहाँ पे हमने चैन रूल लगाया अगर चैन रूल में किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मुझसे चैन रूल के बारे में पूछ सकते हो है ना। घबराओ मत संकोच मत करो पूछो क्विकली से नोट डाउन करो ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप सभी के लिए x टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y फाइंड dy बाय dx। ट्राई करो बेटा इसे टेक 10 टू 15 सेकंड्स है ना एफर्ट्स लगाओ एंड देन आई विल सॉल्व दिस फॉर एवरीवन ऑफ यू। क्वेश्चन क्या x टू द पावर इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y यू नीड टू फाइंड द dy बाय dx। आपको हिंट दे देता हूं हिंट है बच्चों लॉग ले लो बोथ साइड्स आपका काम बन जाएगा। बोथ साइड लॉग ले ले देख लॉग ले लेते हैं बोथ साइड एक्स टू द पावर वाई ये बन जाएगा लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। आप जानते हो पावर सामने आ जाते हैं वाई लॉग एक्स बनेगा ये इक्वल टू एक्स माइनस वाई सामने आ जाएगा लॉग ई। बच्चों अगर बेस ई हो तो लॉग ई बेस ई वन हो जाता है you will be left with x minus y or either y times ln x. Now we need to differentiate with respect to x. So differentiate both the sides with respect to x. Differentiate both the sides with respect to x. ऐसा करने पे आपको क्या मिलेगा देखो ये यहाँ पर product rule लगेगा पहले y को differentiate करेंगे dy by dx ln x as it is पढ़ा रहेगा अगली बार y को पढ़े रहने देंगे ln x का derivative बच्चों 1 by x है is equal to राइट हैंड साइड में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 है माइनस y का डेरिवेटिव बच्चों dy by dx। अब करना क्या है dy by dx वाले टर्म्स कलेक्ट करने एक तरफ तो कुछ आपके पास इस तरीके से होगा ये माइनस dy by dx लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस dy by dx बनेगा dy by dx के साथ ln x है प्लस dy by dx है इज इक्वल टू 1 माइनस y by x। ये माइनस y by x कहां से है y by x दूसरी साइड जाके माइनस वाई बाय एक्स बन गया। आप डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लो बेटा ब्रैकेट में आपको एल एन एक्स प्लस वन मिलेगा इज इक्वल टू यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स जो है आप लोगों का वो किसके बराबर आ रहा है एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स टाइम्स
LNX प्लस वन। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो अगर हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में पूछ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू 1, फाइंड dy बाय dx। ट्राई करो बेटा जल्दी से। ओके सिंपल सा अप्रोच है, लॉग ले लो बोथ साइड्स बेटा, है ना। आपको मिलेगा लॉग x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू लॉग 1। आप जानते हो लॉग 1 जीरो होता है। यहाँ पर बेटा मल्टीप्लिकेशन को लॉग जो है एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। लॉग x टू द पावर m ये मल्टीप्लाई था यहाँ पे, तो इसमें प्लस लॉग y टू द पावर n के बराबर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो है हम सबके लिए प्रॉपर्टी है लॉग की, ये जो पावर m है वो सामने लिखी जा सकती है। m टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस n टाइम्स लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब आप करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ दी साइड्स। इधर m कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव बच्चों 1 बाय x होता है, n कांस्टेंट है, log y का डेरिवेटिव बच्चों 1 बाय y, dy बाय dx है इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज़ 0 वाज अ कांस्टेंट टर्म। ओके अलका ने आंसर बता दिया है, फाइन, है ना। आई होप योर आंसर इज करेक्ट अलका। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, n बाय y dy बाय dx इज सेम एज माइनस m बाय x, तो आपको dy बाय dx बेटा मिल रहा है माइनस m बाय n y बाय x। तो हाँ आपका आंसर सही है। ओके आंसर्स मिलना स्टार्ट हो गए, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस जल्दी जल्दी देना स्टार्ट करता हूँ। e टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू x। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए, e टू द पावर x प्लस y माइनस x इज इक्वल टू 0, फाइंड dy बाय dx। क्विकली करो, जितना फास्ट आप लोग आंसर दोगे अपन ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। Which unit? Why would it matter? I've done my masters, the BTech kiya hai, and then masters MTech, polymer sciences. Technology. Fine, IIT. That's Roorkee. क्विकली इस क्वेश्चन को कर लो। ओके देखो बेटा सिंपल वे में सबसे पहले मैं माइनस एक्स को राइट हैंड साइड ले जाता हूं, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे, लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, लॉग बोलो या एलएन बोलो, एलएन का मतलब बेस ही होगा, एलएन एक्स। पावर आप सामने लिख सकते हो एक्स प्लस वाई, आप जानते हो बच्चों एल एन ई वन के बराबर होता है, इससे वन लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ दिस साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा करते हैं एक्स का डेरिवेटिव वन है बच्चों, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स और एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, तो आपको जो dy by dx है वो मिल रहा है 1 by x minus 1। सिंप्लीफाई करोगे 1 minus x upon x is going to be your required answer। जी एडवांस लेवल, सो दिस लेक्चर्स आर एडवांस लेवल। ओके फाइन,
है ना, अपन चाहते हैं कि क्वेश्चंस अच्छे करें, राइट? आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, है ना। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन करें, बताओ मुझे। आई डोंट नो, तुम लोग एडवांस लेवल चाहते हो नहीं चाहते हो मुझे नहीं पता है, इसीलिए प्रॉब्लम है। आप मुझे बताओ, दिस वन, लेट्स डू दिस। आपके पास वाई है एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, मल्टीप्लाई करते 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 एक्स प्लस 2020 चल रहा है अभी, कर लेते हैं आप, है ना, ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। आप ना बेटा डिफरेंशिएट करो एफ एक्स को और फिर एक्स की जगह जीरो लिखो और मुझे बता आंसर क्या है। फाइन, ट्राई करो। राइट नाउ आई वुड नॉट कमेंट अबाउट एनी वन एल्स, है ना। सुमित प्लीज, आप पढ़ाई से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको जेई एडवांस नहीं, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस चाहिए, एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, तो वो चीजें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। फाइन, ओके, है ना। आईआईटी रुड़की के अंदर ही हर साल मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स रहते हैं, इनटेक मोर देन 1,000 स्टूडेंट्स का रहता है, बट वी हैव फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, है ना, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स रहते हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी डू नो ईच अदर, है ना। बहुत सारे ऐसे आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट होंगे मेरे ही साल के जिनको मैं जानता ही नहीं, जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सिंपल सा फंडा है। यस, दीज लेक्चर्स वुड बी कवरिंग, है ना, एडवांस लेवल टॉपिक्स एज वेल। जितना आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पांस मिलेगा, मुझे समझ में आएगा कि आप सॉल्व कर रहे हो, आप सॉल्व करोगे तो मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा पाऊंगा। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे या रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा, मुझे लगेगा मे बी आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर मैं लेवल मॉडरेट ही रख पाऊंगा, मैं एडवांस लेवल पे नहीं जा पाऊंगा। इसको देखो बेटा, सबसे पहले मैं लेता हूँ लॉग, लॉग एल एन ऑन बोथ साइड्स, तो ये एल एन एफ एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड में एल एन एक्स प्लस वन प्लस इंटू में, है ना, ये सारी चीजें एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर अप टू एक्स प्लस 2020 चल रहा है फिलहाल। लॉग क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन को स्प्लिट करके एडिशन के फॉर्म में लिख लेता है, ये लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस ये बेटा लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एल एन एक्स प्लस थ्री प्लस एल एन एक्स प्लस फोर अप टू प्लस एल एन एक्स प्लस 2020। This is your ln fx. अब आप differentiate कर दो with respect to x, we will not have any problem. Differentiate both these sides with respect to x. ऐसा करने पर आपको यहां पर वन अपॉन एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एफ एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू बेटा, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस वन है, इसका वन अपॉन एक्स प्लस टू है, इसका वन अपॉन एक्स प्लस थ्री है, इट गोज ऑन अप टू वन अपॉन एक्स प्लस 2020, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको एफ डैश ऑफ एक्स तो मिल चुका है, या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स मिल चुका है, किसके बराबर है वो, एफ एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री गोज ऑन अप टू वन अपॉन एक्स प्लस 2020 है। आपको क्या करना है, अगला टास्क आपको सिर्फ इतना करना है, एक्स की जगह पे जीरो लिखने को बोला है, तो एक्स की जगह पे जैसे ही मैं जीरो लिखूंगा बेटा क्या होगा देखते हैं। डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, आपको एफ ऑफ जीरो एक्स की जगह जीरो लिखोगे, और यहां वन अपॉन जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां हम एक्स की जगह पे जीरो प्लेस कर देंगे, मुझे यहाँ पे जीरो प्लस वन मिलेगा, प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर
अप टू 1/20 20। एफ ऑफ जीरो क्या है? एफ ऑफ जीरो की बात करते हैं यहाँ पे। यहां से बच्चों एफ ऑफ जीरो कैसे मिलेगा, एक्स की जगह जीरो लिखो, ये 1 × 2 × 3 × 4 अप टू 20 20। तो दिस इज नथिंग बट 2020 फैक्टोरियल। तो जो आपका आंसर है बेटा वो है 2020 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 1/1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/20 20। तो जो भी ऑप्शन आपको इस तरीके से नजर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा, ये आपके लिए रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसके बाद अपन कुछ और मॉडरेट एग्जांपल्स करेंगे एंड देन वी विल है ना, फिर हम एक आध एडवांस के एग्जांपल करेंगे। इसको क्विकली नोट डाउन कर लो ना, वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फंक्शन आपका x+1 × x+2 × x+3 अप टू x+20 20 था, इतना ज्यादा मल्टीप्लाई किया हुआ था तो अपने दिमाग में आया कि लॉग ले लेंगे, डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा। बोथ साइड लॉग ले लिया, ये सारे जो प्रोडक्ट थे वो स्प्लिट होकर एडिशन के फॉर्म में आ गए। फिर हमने डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, लॉग का डेरिवेटिव 1/1 होता है, डिफरेंशिएट किया, देन एक्स की जगह जीरो प्लेस किया, हमारा आंसर आ गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, y is equal to 1 + x × 1 + x² × 1 + x^4 × 1 + x^8 up to 1 + x^2 to the power n या n माइनस वन लेता हूं, 2 to the power n-1। फाइंड dy by dx, ट्राई करो बेटा इसे। है ना, आपके पास दो अप्रोचेस है, या तो आप लॉग लेके करो, बट आई विल नॉट एडवाइज यू टू टेक लॉग। यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको कराना चाहता हूँ। वो इंटरेस्टिंग बात ऐसी है बेटा कि आप 1 + x, 1 + x² 1 + x^4 1 + x^8 आप देख रहे हो पावर जो है डबल 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 हो रही है। इसकी डबल कर दी, फिर 2 की डबल 8 4 4 का डबल 8, पावर जो है वो डबल होते जा रहा है। तो इस बार ना मैं आपको लॉग लेना एडवाइज नहीं करूंगा। देख मैं यहां पे क्या हो रहा है, इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय, या फिर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो 1 - x, ऐसा करते ही देखना यहां पर क्या हो जाएगा, x^4 1 + x^8 up to 1 + x^2 to the power n-1। ऐसा करते ही ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होके a + b × a - b 1 - x^2 बन जाएगा। आगे क्या है, 1 + x^2 बैठा है, तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 1 - x^4 बनाएंगे बेटा। तो 1 - x^4 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 - x^8 बनाएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 - x^16 बनाएगा। बेसिकली ये सारी टर्म्स मर्ज होते 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 फाइनली 1 - x^2 to the power n बना रहा है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? Do let me know. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ दिस साइड्स। ऐसा करने पे क्या होगा, यहां पे बेटा पहले आप इसे डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल, 1 - x का डेरिवेटिव -1 y as it is पढ़ा, अगली बार 1 - x as it is पढ़ा रहने दो, dy by dx is equal to me, 1 का derivative बच्चों 0, minus इसका derivative 2 to the power n, power सामने आ जाती है, x to the power 2 to the power n minus 1, ना power में से 1 subtract करना पड़ता, ठीक है, fine, तो बेटा ये minus y, right hand side में ले जाओ, plus y हो जाएगा, 1 minus x dy by dx is equal to y minus 2 to the power n, x to the power 2 to the power n minus. तो आपको dy by dx जो है, both side of 1 minus x से divide कर दो, y minus 2 to the power n, x to the power 2 to the power n minus 1 divided by 1 minus x के बराबर आएगा,
और आप लोगों के लिए यही रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। प्लीज क्विकली इसको नोट डाउन कर लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी आपका फंक्शन था लॉग लेके आप सॉल्व कर सकते थे, लॉग लेके आपके पास बड़ी सी सीरीज बनती, लेकिन लॉग लेने से इजियर मुझे ये लगा कि आप 1 - x से मल्टीप्लाई कर दो LHS में भी RHS में भी। क्यों इजी लगा? क्योंकि यहाँ पावर डबल 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 होते जा रही है, 1 - x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब कुछ कोलैप्स हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और बनके 1 - x पर 2 n बनता है। ये पैटर्न अपन ने ऑब्जर्व किया। पहले इसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है। y times under root 1 - x² plus x times under root 1 - y². बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इजी है ना। आई वुड आस्क यू गाइस टू फाइंड dy by dx। ट्राई करो इसे, है ना, बहुत स्टैंडर्ड है, शायद आप लोगों ने पहले भी इस क्वेश्चन को किया है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आओ देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं स्ट्रेट अहेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ दिस साइड्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, सबसे पहले वाई को डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 1 - x² को एज इट इज पड़े रहने देता हूं, अगली बार वाई को एज इट इज पड़े रहने देंगे, अंडर रूट 1 - x² को डिफरेंशिएट करते हैं 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 - x², 1 - x² का डेरिवेटिव -2x प्लस, इस पर भी प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं 1, बाकी एज इट इज पड़े रहने देंगे, अगली बार x को पड़े रहने दो, इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, पावर 1/2 है, 1/2 पावर सामने आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है, हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2, मतलब डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव -2y dy/dx इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही रहता है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, dy/dx वाली टर्म्स मर्ज कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं बेटा, dy/dx कॉमन ले लिया, अंडर रूट 1 - x, और यहां से -y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - y² इज इक्वल टू, में इन्हें मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, ये नेगेटिव टर्म है, दूसरी साइड जाके एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट 1 - x² बना, इज इट सो? ओके दिस इज फाइन ठीक है ओके, जो भी है, लेट्स सी क्या होता है। माइनस अंडर रूट 1 - y² नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा,
वाई बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बाय अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ पे एक्स बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मदद से अपन सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखना कैसे करेंगे। देखो यहां से आप देखो, y टाइम्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, y बाय अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज सेम एज नेगेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ y बाय अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव है, माइनस ऑफ y बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं x बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर is equal to, ये x by under root 1 minus x square की जगह पे मैं लिख सकता हूँ minus y by under root 1 minus y square, साथ में into y था तो into y कर दिया, minus में under root 1 minus y square है, जो बोला है वो हमने as it is लिख दिया है, ठीक है, perfectly fine। next ये cross multiply करो, dy by dx bracket में बचा 1 minus x square plus यहाँ पर This is x y, x x square by under root one minus x square, ये कट गया, is equal to minus y square, cross multiply करोगे तो minus one plus y square बनाएगा, divided by under root one minus y square, ठीक है। तो यहाँ से आपको dy by dx जो मिल रहा है बेटा, इधर क्या है माइनस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर है राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सुनील है ना, मेंटेन द लैंग्वेज, आपको इस तरीके की बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ रहा है वो भी चुपचाप, तुम भी पढ़ लो चुपचाप, ठीक। हाउ अबाउट ना, डिसेंसी होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में, रिक्वायर्ड आंसर। क्विकली नोट डाउन कर लो, स्ट्रेट हेड अपन ने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा करते हैं यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज हुआ, सबसे पहले वाई को डिफरेंशिएट किया, नेक्स्ट टर्म एज इट इज रहने दिया, प्लस वाई को एज इट इज रहने दिया, नेक्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाया, dy by dx वाले टर्म्स एक तरफ करेक्ट की, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेकर हम चले गए। तो जब सिंपलीफाई करने बैठे तो y divided by under root 1 minus y square, यहाँ x divided by under root 1 minus x square, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ठीक है। तो ये जो जाना पहचाना सा है वो हमने यहाँ से देखा, y divided by under root 1 minus y square को मैं minus of x divided by under root 1 minus x square लिख सकता हूँ। हाँ बोलो महिमा, क्या बात है बेटा इस क्वेश्चन में, बोलो। सुन रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो, अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो तो कर सकते हो, आज जो बोला है आगे कंटिन्यू तो करो सर, इस क्वेश्चन में आगे क्या हुआ, यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन एज वेल, फिर बाद में डिफरेंशिएशन कर ले। हाँ बेटा आप कर सकते हो, उससे आपका स्टेप्स बहुत सारे सेव हो जाएंगे। मैं बता देता हूं क्विकली, जिन लोगों को नहीं पता महिमा ने सही बोला है, आप डिफरेंशिएशन करने से पहले सब्स्टिट्यूशन भी ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे वो देख लो, है ना, क्विकली बता दो, इट विल टेक जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स। एक्स को अगर आपने साइन थीटा माना और वाई को अगर आपने साइन फाइ माना, तो ये बनेगा साइन फाइ अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये बनेगा साइन थीटा
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर 5 इज इक्वल टू 0। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा होता है, रूट के बाहर आके कॉस थीटा बनेगा, साइन 5 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर 5 कॉस स्क्वेयर 5 बनेगा, रूट रूट की वजह से कॉस 5 ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज साइन ऑफ थीटा प्लस 5 जीरो के बराबर है। तो थीटा प्लस 5 आपका जीरो के बराबर है। थीटा की बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स है, फाइ की बात करूं तो साइन इनवर्स वाई है। बेटा साइन थीटा अगर एक्स है तो थीटा जो है वो आपका साइन इनवर्स एक्स होता है और फाइ आपका साइन इनवर्स वाई होता है ना। आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा था, बट स्टिल ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, इसके डेरिवेटिव्स भी बताए थे। तो अब आप इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। आपको बेटा यहां पे इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपको यहां से बिल्कुल डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, इस बार आपको क्विकली मिलेगा। तो यस आप लोग सब्स्टिट्यूशन की मदद से भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नोट डाउन कर ले सॉल्यूशन को, इसके बाद मैं आपको सिमिलर ऐसा एक और क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन की मदद से जल्दी कर पाओगे सॉल्व, है ना। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड डीवाई बाई डी। पहले इस सॉल्यूशन को लिख लो, एक बार बता देता हूं आप लोगों को, मैंने x की जगह sin थीटा लिखा, क्यों? क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, इंटरेस्टिंग लग रहा था। y की जगह sin phi लिखा, ये बेटा sin ऑफ थीटा प्लस phi बन गया, थीटा प्लस phi 0 के बराबर है। 0 बोलो या फिर 0 प्लस n phi बोल दो, कोई बात नहीं, फाइन। बट स्टिल जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही आएगा, ठीक है। आपको आंसर मिल गया, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। Should I solve this? Okay, बेटा मैं solve कर देता हूं simple way में। देखो क्या करेंगे, x cube, हाँ y cube, ये x cube का square है, ये y cube का square है। तो ऐसा करता हूं, मैं x क्यूब को ना साइन थीटा मानता हूं और y क्यूब को साइन फाइ। ऐसा करते ही मुझे क्या नजर आएगा, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बच्चे ये रूट के अंदर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाइ। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हो जाएगा, कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल रहेगी, स्टेप्स कम लगेंगे, सिंप्लीफिकेशन भी आसान रहेगा। वेल दिस इज कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ फाइ इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन सी माइनस साइन डी। अगर आप लोगों को याद हो तो ये होता था 2 टाइम्स कॉस ऑफ एंगल्स का ऐड करके बाय 2 करते थे इनटू साइन ऑफ एंगल्स को सब्सट्रैक्ट करके बाय 2 करते थे, थीटा माइनस फाइ बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा हुआ है, इसका भी इलाज हमें आता है 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल्स को ऐड करके बाय 2 करते हैं, इनटू कोसाइन ऑफ एंगल्स को सब्सट्रैक्ट करके बाय 2 करते हैं बेटा, इज इक्वल इनटू 2a cos थीटा प्लस फाइ बाय 2 इनटू sin थीटा माइनस फाइ बाय 2। बेटा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा प्लस फाइ कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब a को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ 1 बाय a एंड cos को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ tan बनेगा, tan ऑफ थीटा माइनस फाइ बाय 2।
यहां से थीटा माइनस फाइव बाय टू को आप लिख सकते हो टैन इनवर्स वन बाय ए। वेल नेक्स्ट स्टेप, थीटा माइनस फाइव को आप लिख सकते हो टू टाइम्स टैन इनवर्स वन बाय ए। ठीक है, ए आपका कांस्टेंट था, टू आपका कांस्टेंट है, टैन इन हाफ ऑफ टू ऑफ टैन इनवर्स वन बाय ए इज कांस्टेंट। अलका का आंसर आ भी चुका है शायद। ओके अलका, लेट्स सी, है ना, मैं भी एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, थीटा क्या है आपका बेटा, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस फाइव है साइन इनवर्स वाई क्यूब इज इक्वल टू टू टाइम्स टैन इनवर्स वन बाय ए। अगर आप बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये बेटा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स क्यूब थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स डिनोमिनेटर में अंडर रूट वन माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। थ्री से आप डिवाइड कर दो हर टर्म को, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस को आप दूसरी साइड ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट वन माइनस वाई क्यूब डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स क्यूब। तो आपको डी वाई बाय डी एक्स बच्चों यहां से मिल रहा है एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई क्यूब बाय वन माइनस एक्स क्यूब। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अलका डू लेट मी नो, महिमा आप भी बताओ बेटा कि क्या ये आपको समझ में आया या फिर कहीं मिस्टेक हो गई है, हो गई है तो वो भी बता दो। इज इट फाइन? आई डू होप सो। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, ये एक्स क्यूब को मैंने साइन थीटा बोला, वाई क्यूब को साइन फाइव बोला, ऐसा मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब का स्क्वायर था, वाई क्यूब का भी स्क्वायर था, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट के बाहर कॉस थीटा कॉस फाइव ए टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन फाइव, साइन थीटा माइनस साइन फाइव क्या होगा टू टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू। यहाँ पर भी कॉस ए प्लस कॉस बी या कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। सिंप्लीफाई करता चला गया मैं, थीटा माइनस फाइव बाई टू टैन इनवर्स वन बाई ए बना, दिस इज कॉन्स्टेंट। टू को आप दूसरी साइड ले जाओ इंटू हो जाएगा थीटा माइनस फाइव टू टाइम्स टैन इनवर्स वन बाई ए दिस इज कॉन्स्टेंट। थीटा क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स क्यूब। फाइव क्या है आपका साइन इनवर्स वाई क्यूब साइन इनवर्स वाई क्यूब। अब आप डिफरेंशिएट कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। गुड, ओके, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। दिस वन क्वेश्चन है ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स डिफरेंशिएट, है ना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल, बहुत सिंपल है, बोथ साइड लॉग लो और जल्दी से इसको सॉल्व करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो। बोथ साइड लॉग ले लो बेटा, एल एन ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू एल एन वाई टू द पावर एक्स, पावर सामने आ जाएगा, वाई एल एन ई इज इक्वल टू एक्स एल एन वाई, एल एन ई बच्चों वन होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स एल एन वाई। Differentiate both sides with respect to x. Differentiate with respect to x on both the sides. And ऐसा करने पे हमें मिलता है we do get dy by dx. है ना, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, पहले x को डिफरेंशिएट करो वन आएगा, एल एन वाई एस पड़ा रहेगा, फिर x को पड़े रहने दो, एल एन वाई का डेरिवेटिव बच्चों वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, डी वाई बाय डी एक्स ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस एक्स बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एल एन वाई बना है। यहाँ डी वाई बाय डी एक्स आप कॉमन ले लो, वन माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू एल एन वाई। बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, डी वाई बाय डी एक्स आपको मिल रहा है वाई माइनस एक्स अपॉन वाई,
इज इक्वल टू एल एन वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स यहां से हम सबको मिलता है वाई टाइम्स एल एन वाई बाय वाई माइनस एक्स. फाइन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसको लिख लो तब तक, जिन्होंने खुद से सॉल्व कर लिया उनके लिए अगला क्वेश्चन. y is equal to x to the power x to the power x to the power x to the power, this goes on forever, find dy by dx. This is quite simple, है ना? ये mains level का question है, NDA level का question है, इसे quickly solve करो. ट्राई करो. ठीक है बेटा, मैं बता दूं, बहुत आसान है, आप लोगों को आता होगा, है ना? दिस इटसेल्फ इज वाई, राइट? बोथ साइड लॉग ले लो, एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स टू द पावर वाई एल एन वाई. ये पावर बच्चों सामने आ जाती है, वाई टाइम्स एल एन एक्स. डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ऐसा करते हैं, मुझे एल एन वाई का डिफरेंशिएशन वन बाय वाई dy by dx मिलता है. इधर बच्चों मुझे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, पहले y को डिफरेंशिएट करता हूं, मुझे dy by dx मिलेगा, lnx as it is पड़ा है, प्लस अगली बार y को पढ़े रहे हैं, lnx का डेरिवेटिव 1 by x होता है. dy by dx वाले टर्म्स मैं एक तरफ कलेक्ट कर लेता, क्योंकि मुझे dy by dx फाइंड करना है. ऐसा करते हैं, मुझे 1 by y dy by dx, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, माइनस lnx dy by dx इज इक्वल टू y by x मिलेगा. लेट इट बी, dy by dx कॉमन ले लो बेटा, ये 1 by y minus ln x by 1 is equal to y by x. Simplify करें, इससे dy by dx आपको मिलेगा 1 minus y ln x divided by y is equal to y by x. You will have dy by dx as y square upon x into 1 minus y ln x. Okay. Fine. Okay. सिमिलर एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. y इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर e टू द पावर x e टू द पावर x फॉरएवर, ट्राई करो क्विकली ना, इसका आंसर भी बताओ मुझे. टेक 15 सेकंड्स और 20 सेकंड्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत आसान है, सिंपल सा है, ट्राई करो बेटा इसे. हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, y is equal to e to the power x, this is once again to the power pi, right? Both side log ले लें, ln y is equal to ln e to the power x to the power 1, ln y is equal to, बच्चे पावर सामने आ जाती है, x to the power y, ln e 1 होता है, तो ln y is equal to x to the power y. फिर एक बार और log लेना पड़ेगा, ln of ln y is equal to y, है ना? ln of x to the power y, ये पावर सामने आ जाएगी, ln of ln y is equal to y times ln x. Now we can differentiate both these sides
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा करने पर बेटा यहां पर मुझे ना प्रोडक्ट रूलिंग चैन रूल लगाना पड़ेगा। पहले बाहर वाले लॉग को डिफरेंशिएट करूंगा तो वन अपॉन एल एन वाई बनेगा, फिर एल एन वाई को डिफरेंशिएट करूंगा तो वन बाय वाई बनेगा, फिर वाई को डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाय डी एक्स। बेसिकली यहां पर मैंने प्रोडक्ट रूलिंग चैन रूल लगाया, पहले बाहर वाले एल एन पे डिफरेंशिएशन किया तो वन बाय अंदर वाला चीज वन अपॉन फंक्शन, फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो वन बाय वाई, फिर इस वाई को डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाय डी एक्स। राइट हैंड साइड में हाँ मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा बिकॉज देर इज अ प्रोडक्ट है ना, दो दो फंक्शन से दो टर्म से। पहले वाई को डिफरेंशिएट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स, एल एन एक्स एज इट इज पड़ा रहेगा, अगली बार वाई एज इट इज पड़ा रहेगा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों वन बाय एक्स होता। फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स कलेक्ट कर लेते एक साइड पे, यहां पर बेटा डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में वन अपॉन वाई एल एन वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस एल एन एक्स बनेगा, माइनस एल एन एक्स डिवाइड बाई वन इज इक्वल एन टू y by x, बस तीन ही टर्म थी ना, तीन ही टर्म थी बस इतना ही बचा। तो dy by dx बेटा 1 minus y ln x divided by y ln y is equal to y by x। यहां से आपको dy by dx मिलता है y square ln y upon x into 1 minus y ln x। I hope this is clear। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर? ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को इसके बाद, और फिर अपन ना नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मंडे को। और अगर आपको लगता है कि देर हो रही है तो टेक इट एज होमवर्क है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, दिस गोस ऑन फॉर एवर, फाइंड dy बाय dx। तो हिंट सिर्फ इतना सा है, थैंक यू अलका फॉर लेटिंग मी नो कि आप लोगों को क्लियर है। जब आप लोगों को क्लियर होता है तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। एक्स डिवाइडेड बाय टू, यहां से आगे की सारा जो टर्म है वो बच्चों वाई के बराबर ही है प्लस वाई। अब आप बस थोड़ा सा बोर्ड मास का ध्यान रखें, सिंप्लीफिकेशन इजी करें एंड देन डिफरेंशिएट कर लो, इट वुड बी इजियर। तो डिफरेंशिएशन के अंदर अपन ने कुछ वैरायटीज कवर की है बेटा। नेक्स्ट क्लास जब भी अपना मंडे को होगा हम लोग डिफरेंशिएशन, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर पैरामीट्रिक फॉर्म देखेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म ये पढ़ेंगे, एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर बोल दो, हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर का मतलब आप लोगों को पता होगा डी वाई बाई डी एक्स के आगे डी टू वाई बाई डी एक्स पर डी थ्री वाई बाई डी एक्स एंड सो ऑन। तो आई होप स्टूडेंट्स जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा वो सिंपल था, आप लोगों को मजा आया, समझ में आया, फायदा हुआ, कुछ वेराइटीज भी हम लोगों ने कवर की। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट में मैंशन कर सकते हो, या फिर जिस नंबर से मैं आप लोगों को लिंक देता हूँ ग्रुप के अंदर, यू कैन आस्क मी डाउट्स ऑन द सेम नंबर। सी यू गाइज, लेट्स मीट ऑन मंडे। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग, stay safe, stay home, see you, bye bye, I will end this stream, thank you students, thank you everyone.